यमुनानगर के जगाधरी में लोटस वैली स्कूल की बस स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चों को घर छोड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे के वक्त इस बस में 10 से 15 बच्चे सवार थे, जिनमें से 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी घायल बच्चों को उपचार के लिए यमुनानगर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक 2 बच्चे बस में झगड़ा करने लगे, जिस वजह से ड्राइवर का ध्यान भटक गया और बस अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। वहीं स्कूल बस के एक्सीडेंट का पता चलने के बाद ही छप्पर थाना के SHO मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। उनका मानना है कि एक्सीडेंट ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि ड्राइवर तेज गति से गाड़ी चला रहा था। विवेकानंद स्कूल की बस थी, स्याड़वा गांव के पास ये एक पेड़ से टकरा गई, तो इसके अंदर 3-4 बच्चे हैं और जो कंडक्टर है उसको चोट लगी है और ड्राइवर का भी पता नहीं है मुझे। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैंने चेक कर ली बच्चे, इनका ऑपरेशन जो इनको ऑपरेट करना था वो कर रहे हैं। देखने में आया कि जो ड्राइवर है उसकी नेगलिजेंस ही है, वो ध्यान से नहीं चला रहा था, स्पीड ज़्यादा थी उसकी, इसलिए गाड़ी उससे पेड़ से टकरा गई। बच्चे फिलहाल ठीक हैं, सभी बच्चे ठीक हैं। वहीं स्कूल बस में सवार बच्चों के माँ बाप को जब इस हादसे का पता चला तो वो भी मौके पर पहुँचे। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से रहीम खान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।